पिछले 3-4 दिन से लगातार आंचल में हो रही तेज बारिश जहां रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में 3-4 दिन से बने सिस्टम के चलते जहां आंचल के तीनों डैम क्रमशः अटल सागर, मणिखेड़ा, मोहिनी पिकअप, हरसी डैम जहां पूर्ण रूप से भर चुके हैं या भरने के करीब हैं, जिससे क्षेत्र की सिंधी, पार्वती एवं महुअर नदी उफान पर चल रही है। लगातार हो रही बरसात के कारण नगर में भी जगह जगह पानी का भराव देखा जा रहा है। विगत रोज अत्यधिक बारिश के चलते नगर के मेन रोड स्थित पुलिस कॉलोनी एवं इससे लगे हुए क्षेत्र की दुकानों में पानी भर गया। उल्लेखनीय है कि अटल सागर मणिखेड़ा डैम पूर्ण रूप से भरने के कारण पिछले 2 दिन से उसके 8 गेटों में से सिंधी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तटवर्ती गांव में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। भीतरवार से के शर्मा की रिपोर्ट। बारिश हुई कल की बारिश ने भीतरवार के तमाम निचले इलाकों में घरों में पानी भर दिया, कई दुकानों में और पुलिस कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया। इसके कारण लोगों का जीना मुहाल है। फिर भी एक गौर करने वाली बात है, जहां इस बीमारी से, इस मौसम से, इस पानी की अत्यधिक बरसात से जहाँ लोगों में बीमारियों के बढ़ने की देखी जा रही है, लोगों में मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, तो उसी प्रकार से देखिए क्षेत्र में पिछले 4 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में जो वर्षा का सिस्टम बना हुआ है उसके चलते पिछले 4 दिन से लगातार नगर में तेज़ बारिश हो रही है। इस तेज़ बारिश के चलते जहां नदियां उफान पर हैं और नदियों के आसपास रहने वाले गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहीं क्षेत्र के जो 3 मुख्य डैम हैं, अटल सागर मणिखेड़ा और मोहनी पिकअप वियर, उसके साथ ही हरसी डैम जो भरने के कगार पर है, इससे जो पानी रिलीज किया जा रहा है वो नदियों में आ रहा है, इसलिए नदियों में अच्छी खासी तादाद में पानी बह रहा है। क्षेत्र के लोगों को सलाह दी गई है कि नदियों के आसपास न जाएं। वहीं जहां देखें कि एक और धान की फसल के लिए ये पानी जो फायदेमंद है, और कह रहे हैं किसानों के द्वारा, जैसे अगर अपन किसान की बात को माने तो किसान कह रहा है कि ये पानी धान के लिए ये पानी अमृत के समान है, तो वहीं दूसरी जो अन्य फसलें हैं, तिलहनी और दलहनी, जहाँ पर दाल